हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। क्लास टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसमें बोलता है हाउ मैनी 170 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ओन 220 वोल्ट लाइन। तो पैरेलल में कनेक्ट करना है, टोटल रजिस्टेंस जो है इतना बनना चाहिए। तो जो हमारे पास जो वायर है उसमें इतने एम्पियर का करंट और इतनी वोल्ट की वो लाइन है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि उस लाइन में जो रेजिस्टेंस अभी उस करंट रेजिस्टेंस कितना है। तो जो हमें गिवन दे रखा है वो वी हो गया 220 वोल्ट का और आई हो गया 5 एम्पियर का। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो हो जाएगा वी अपोन आई, तो मतलब 220 अपोन 5, ये आएगा 44 ओम का। हमें कितना चाहिए? 176 का। तो अभी ये कम है, तो ये पैरेलल कनेक्शन की बात करता है। देखिए, तो इसमें पैरेलल कनेक्ट करने के लिए देखिए, अगर इन पैरेलल कनेक्शन में जो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा इस टाइप से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो वन अपोन जितना भी टोटल रजिस्टर हैं उनका रेजिस्टेंस जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड करके आ जाएगा, क्योंकि पलट जाएगा ऊपर, तो या आर अपोन एन, तो मतलब रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे जो हमारा निकला है वो निकला है 44। तो जो हमें रेजिस्टेंस चाहिए 176 का, और नंबर ऑफ रेजिस्टर हमें नहीं पता। डिवाइड करने के बाद एक का कितना रेजिस्टेंस बनेगा? 44 का। तो इसलिए 44 के बराबर है। तो अब आपको समझ आएगा कि हमने यहाँ पे 44 क्यों निकाला, क्योंकि इसने कहा टोटल 176 का रेजिस्टेंस जो है हमें चाहिए। कितने रजिस्टर होंगे ये हमें नहीं पता। हमने एन, यहाँ से एन वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रजिस्टर, और ये जो है एक का रजिस्टेंस इतना है। तो यहाँ पे अगर हमें एन निकालना होगा तो सिंपल है, 176 अपॉन 44, तो डिवाइड करके आएगा 4। तो देखिए, चार रजिस्टर जो हैं वो लगेंगे इतने ओम के, तब जाके बनेगा 176 का रेजिस्टेंस जो है वो इतने का बनेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। और अगर आपका कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।